अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर के जे। दोस्तों मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के करम से फिटफाट, और उम्मीद यही है कि आप लोग भी फिटफाट होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो हमारा वर्कआउट है वो लेग का है। देखें, मैंने आपको बारहा अपने ब्लॉग्स में ये कहा है कि आप लेग को बिल्कुल स्किप ना करें। लेग आपकी बेस है, यानी कि वैसे भी देखने में भी बेस है और एक्सरसाइज के लिहाज से भी बेस है। लेग हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स है। जिन लोगों को अपनी बॉडी से फैट लूज करना होता है, जिन लोगों को अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, जिन लोगों को अपनी बॉडी को शेप में करना होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो लेग को बिल्कुल स्किप ना करें। और जब हम लेग की एक्सरसाइज करें बिफोर वर्कआउट, लेग को बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेच करना है, क्योंकि लेग में जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें मोस्टली एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपको बिफोर वर्कआउट अच्छे से वार्म अप करें, स्ट्रेच करें, उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। तो आए हम भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं लेग। अच्छा फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारी जो अब एक्सरसाइज है वो बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड हम परफॉर्म करेंगे। 4 सेट्स हम परफॉर्म करेंगे, 10 to 12 रेप्स हम कोशिश करेंगे इसमें करें, और 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स फॉर ईच लेग। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो डंबल सोमो स्क्वाड है। इसे हम बिल्कुल लेग जिस तरह से सोमो वाइंड करते हैं, इसी तरह से हम डंबल के साथ परफॉर्म करेंगे। 4 सेट्स हम परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इसका जो नाम है वो गुड मॉर्निंग्स है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और ये हमारे ग्लट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है। इसे बहुत कंट्रोल वे में आपने परफॉर्म करना है। ज़्यादा वेट और इस तरह से जरक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल वे में आप करें। 4 सेट्स हम करेंगे, रैप्स रखेंगे हम 10 to 12। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो अल्टरनेट लेग लंज है। लंजेस हम करेंगे अल्टरनेट लेग में, 4 सेट्स हम परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12 फॉर ईच लेग। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ये हम मैन्युअली करेंगे। जिस तरह हम लेग कर्ल करते हैं इस तरह से ही हमने डंबल लेग कर्ल करनी है। 4 सेट्स हम इसके परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12, कंट्रोल वे में आपने ये करना है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो बारबल स्क्वाड है। बारबल स्क्वाड की हम 4 सेट्स करेंगे, मिनिमम 8, मैक्सिमम 12, 8 से 12 हमें इसकी रेप्स करनी है।
एक चीज आपने देखनी है कि हमारा वर्कआउट तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम ये स्क्वाट कर रहे हैं तो बहुत कंट्रोल वे में करनी है, और इसमें जो वेट आम रूटीन में आप उठाते हैं लिफ्ट करते हैं वो इस एक्सरसाइज के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वेट देख के आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो बारबल रोमानियन डेडलिफ्ट्स है। इसके भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, 8 से 12, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 रैप्स हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो काफ है, पेंडली है, इसको हम ट्रेन करेंगे। इसके भी हम 4 to 5 sets करेंगे। अच्छा अब ये रैप्स आप पर हैं कि आप कितनी रैप्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप वेट बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 to 12 निकालें, अगर आप वेट आपका इंटरमीडिएट है तो आप उसकी रैप्स को जो है वो 15 टू 18 निकालें, अगर आपका वेट कम है, कम वेट से आप कर रहे हैं तो आप रैप्स बढ़ा सकते हैं 4 to 5 sets। अच्छा फ्रेंड्स, आज वर्कआउट आपने हमारा देखा, हमने पहले हम आपको बता दें कि आज हमने किया क्या है। हमने जिम में आके वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की है, हमने आज कार्डियो जो है वो आम दिनों से कम किया है बिकॉज लेग की एक्सरसाइज बहुत हार्ड होती है, और जो एक्सरसाइज आप से हम शेयर कर रहे हैं वही क्वालिटी क्वान्टिटी से आप करेंगे, यकीन करें आपको आज किसी भी किस्म के कार्डियो की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। और जिस दिन हम लेग्स करते हैं उस दिन हम कार्डियो को स्किप करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे खासे कैलोरीज बर्न कर चुके होते हैं। एक्सरसाइज में आपने बस ये देखना है, ईगो लिफ्टिंग से आपने बचना है, थाइज़ की इंजरी बहुत डेंजर होती है, थाइज़ हो गया या हम जो बैक की एक्सरसाइज करते हैं इसमें जो इंजरी होती है वो ख़तरनाक होती है। आपने वेट वही उठाना है जो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हो, सिक्वेंस यही लेके चलना है जो हमने आपको बताया, और आफ्टर वर्कआउट हमने काफ के बाद जस्ट फोर आर्म्स को ट्रेन किया, उसके बाद आज हमने कुछ नहीं किया, स्ट्रेचिंग करके और हमने अपने वर्कआउट का एंड किया। तो कहने का मकसद यही है, देखें हम आपको डेली हमारी कोशिश होती है कि अच्छी एक्सरसाइज अच्छी चीज़ें हम आपसे शेयर करें। जो एक्सरसाइज हम वीक में आपसे शेयर करते हैं टोटल आपकी बॉडी के मसल्स की, उसे आप कम से कम 4 to 8 weeks तक रिपीट करें, उसके बाद जाके आप इसे चेंज कर दें। देखें YouTube पे ऑलरेडी हमारा इतना मवाद मौजूद है कि आप आराम से 2-4 साल एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप उसी सीक्वेंस में लेके चलें, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। एक्सरसाइज के साथ साथ देखें मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी नींद और आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज से आपको कोई फर्क नहीं होने वाला। इन तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बो बना के ही आप एक अच्छी बॉडी अपनी बना सकते हैं। अपने भाई RKJ को दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में नई एक्सरसाइज नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम।